का ये मानना है कि भाभी वॉज अ नेगेटिव, शी वॉज अ नेगेटिव कैरेक्टर, या वो एक ग्रे पर्सन थी अपनी लाइफ में? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं समझती हूँ, क्योंकि वो बहुत महत्वाकांक्षी थी. उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं, ये तो मुझे अभी फिर भी पता करना है कि वो उन्होंने क्यों ये चाहा कि वो एक पॉलिटिक्स में आए. मुझे लगता है वो सिर्फ एक महत्वाकांक्षी महिला थी और उसने जो किया वो बिल्कुल सही था. भवरी खुद बॉलीवुड में आना चाहती थी, वो बॉम्बे आकर गई थी. उन्होंने काफ़ी ट्राई किया था पिक्चरों में भी, और डेफिनेटली वो एक सिंगर भी थी, फोक सिंगर थी. वो एक नटनी थी. नटनी मतलब होता है राजस्थान की बंजारन. आजकल ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा समझदार होती जा रही है. फिल्मों में वो नकली चीज़ों को देखने में, फेक चीज़ें देखने में इंटरेस्टेड नहीं है, मुझे मालूम है. और क्योंकि भवरी का जाल एक रियल स्टोरी है, तो सबसे बड़ी तो बात यही है कि ऑडियंस इसको एंजॉय करेगी, बहुत एंजॉय करेगी. और जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी तक किसी को नहीं पता कि भवरी का क्या हुआ, पर हमारी फिल्म में ये ज़रूर बताया जाएगा कि क्या हुआ उनका, वो कहाँ है और कहाँ है नहीं है, वो सब हमारी फिल्म में बताया जाएगा.